दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल गुरविंदर होम्स पर। मेरे खास वो दोस्त जिन्होंने मुझे अपील की थी कई बार कि यार हम चाहते हैं कि हमारा घर एक सिक्योर्ड सोसाइटी के अंदर हो और वो जीरकपुर के अंदर चाहिए, जहां से आपका चंडीगढ़ आईटी पार्क भी नज़दीक हो और मोहाली का आईटी पार्क भी नज़दीक, और जहां से आपका शिमला जाना हो, दिल्ली जाना हो या पटियाला की तरफ जाना हो, तो कोई भी जगह आपको दूर ना लगे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो रहेगी बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। एक अच्छी सोसाइटी है, 1550 स्क्वायर फीट के अंदर आपको यहाँ पर अपार्टमेंट मिल रहे हैं, हमारे 3 BHK अपार्टमेंट जो कि लो राइज है, उसके साथ लिफ्ट भी आपको यहाँ मिलती है। काफ़ी अच्छी सोसाइटी है, लग्जरी है, 2 साइड एंट्री है। और लोकेशन की भी बात करूँ तो आपकी जो एंट्रेंस है वो पटियाला हाईवे से भी कनेक्टेड है, और सेकेंड जो एंट्रेंस है आपकी वो आपकी रहेगी चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे से। तो किसी भी लोकेशन में आना जाना हो तो दिक्कत नहीं होती, कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाती है और एक अच्छी सोसाइटी है, अच्छे लोकेशन के ऊपर है। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है आपका घर जो कि बेहद शानदार लोकेशन पर और एक खूबसूरत डिज़ाइन के साथ बना हुआ है जीरकपुर के अंदर। यूनिक डिज़ाइन है, सामने की तरफ 3-4 फैमिलीज अभी शिफ्ट हो चुकी हैं। काफ़ी वाइड रोड्स हैं, एक अच्छा डिज़ाइन है, खुलापन का एहसास यहाँ पर पूरा होता है। तो सोसाइटी में जो है हमें यहाँ पर आपको क्लब हाउस एक अच्छा खासा मिल जाता है, और इसके अलावा जो है हमें गार्डन भी मिल जाता है, और गार्डन के साथ हमारे पास यहाँ पर एक 7 एकड़ का गवर्नमेंट का पार्क है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ग्रीन एरिया की यहाँ पर कोई कमी नहीं रहेगी, और आसपास जो फ्रेश एयर है, खुलापन है, वो हमारे पास लाइफ लॉन्ग रहेगा। तो दोस्तों ये हमारे घर का फ्रंट एलिवेशन बेहद शानदार सा है, फूड एंड क्लैडिंग के साथ एक अच्छा यूनिक डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पर नीचे छोटी सी आपकी ग्रीन एरिया आया था, और इस तरफ जो है हमारा पार्किंग एरिया जो कि स्टेट में आपका रहने वाला है। तो 3 घर के लिए यहाँ पर 4 गाड़ियों की पार्किंग है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपके पास एक दूसरी गाड़ी है तो वो भी यहाँ पर लग सकती है। और ये सामने की तरफ आपको स्टोर यहाँ पर नज़र आएंगे, और इस लोकेशन में जो खाली एरिया दिख रहा है यहाँ पर भी आपके 2 व्हीलर्स या अगर कोई छोटी गाड़ी हैचबैक है वो यहाँ पर लग सकती है। तो स्पेस हमारे पास यहाँ नीचे पार्किंग में भी काफ़ी अच्छी स्पेस हमें यहाँ पर मिल जाती है, और अगर आप ये पिलर्स को देख सकते हो तो काफ़ी अच्छे साइज़ के पिलर्स हैं हमारे पास यहाँ पर। लिफ्ट आपकी ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुकी हैं, थोड़ा सा काम बस इसमें बाकी है। और इस तरफ हमारे स्टेज जहाँ पर नीचे जो है ग्रेनाइट आपका लगा रहेगा पूरा, और आपकी जो रेलिंग है साथ में वो आयरन की रेलिंग है, तो काफ़ी हैवी मटेरियल है, लाइफ लॉन्ग चीज़ें हैं बिल्कुल, और ऐसी चीज़ों की जो मेंटेनेंस है वो भी कम ही होती है। और दोस्तों यहाँ पर अभी अभी एक फैमिली ने शिफ्ट किया है, बहुत अच्छा लगता है यार जब कोई फैमिली अपने घर में आती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे जो सपना देखा था वो साकार हो गया। और दोस्तों इस तरफ हमारा एंट्रेंस डोर जो कि हम आज देखने लगे हैं, हमारा डेमो अपार्टमेंट है, काफ़ी अच्छी हाइट है, विड्थ काफ़ी अच्छी है, और साथ में आपको जो है एक ग्लास की विंडो मिल जाती है, ग्लास वाली, जिससे कि आपकी जो लुक है घर की वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। और पूरा पॉलिश किया गया है, टीक वुड है, काफ़ी अच्छी विड्थ है इसकी डोर की, और जितनी दोस्तों चुगाट है यहाँ पर वो सारी आपकी साल की रहेंगी। तो मटेरियल और क्वालिटी वर्क हमें इस घर के अंदर पूरा मिलने वाला है, कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, जो चीज़ मिलेगी एक्यूरेट होगी, और देखते ही आपको सब चीज़ समझ आ जाएगी यहाँ पर। और ये हमारा शानदार सा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया जी, काफ़ी अच्छी साइज़ है, आपका 24 फुट की इसकी लेंथ रहेगी और 12 फीट की इसकी जो विड्थ रहेगी, तो काफ़ी अच्छा साइज़ हो जाता है यार 24 फीट का। तो 24 फीट का मतलब ये होता है कि आपने जैसे भी जो सामान रखना है वो रखिए, और उसके बाद भी जो आपको जो स्पेस है उसमें कहीं कहीं कमी नहीं रहेगी। देखिए यहाँ पर हमने 7 सीटर रखा है, 7 सीटर रखने के बाद भी आपके जो स्पेस है वो प्रॉपर रहती है हमारे पास यहाँ पर। सीलिंग पर बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन है यहाँ, और ठीक इस तरफ से देखिए आप, आपके उस जहाँ से हम एंटर करते हैं उसके अलावा आपके पास स्पेस ही स्पेस है यहाँ पर, आप किसी भी डायरेक्शन से इधर मूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ठीक इस तरफ जो है आपका डाइनिंग टेबल, एक अच्छे साइज का डाइनिंग टेबल है। देखिए जो नॉर्मली हमारे घर में डाइनिंग टेबल्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं इनसे, तो स्टिल इसे बड़े वाले इस टेबल को लगाने के बावजूद भी हमारे पास स्पेस है, उसकी कोई कमी नहीं है, एक अच्छी स्पेस, आप कहीं पर भी मूवमेंट कर सकते हैं, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है। बहुत जगह पर ऐसा होता है कि आप अपार्टमेंट में गए और स्पेस ख़त्म हो गई, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सीलिंग पर बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है, जहाँ से आपके जो है LED लैंप्स आपके लगे हुए हैं, इसके अलावा लगता नहीं है कि और कोई लैंप या लाइट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर।
और ठीक इस तरफ हमारी किचन आ जाती है जो कि एल शेप के अंदर है, बिल्कुल 12 फिट की किचन आपकी, 12x7। आप ये लगा लीजिए कि 12x7 जो होता है एक तरह से एक बेडरूम का साइज ही निकल आता है, आसपास ही आ जाता है। आप ये कह सकते हैं कि किड्स बेडरूम का साइज था वो यहाँ पर निकाल दिया। ग्रेनाइट आपका रहेगा, बहुत ही अच्छा कलर है, बिल्कुल ब्लैक कलर नहीं यहाँ पर दिया है, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनको लगता है कि यार डार्क कलर का जो ग्रेनाइट है वो किचन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सामने की तरफ जो आपका टाइल्स पूरी लगी हुई है, और तो ये जो पाइप है आपकी, ये आपकी गैस पाइप रहेगी, ताकि जो आने वाले टाइम में अगर गैस पाइपलाइन आती है इस लोकेशन में कहीं पे तो आपकी इजीली अटैच हो जाए। सारे सॉफ्ट क्लोजर्स के आपके जो रहेंगे ड्रॉज रहेंगे, वो काफ़ी हैवी मटेरियल है यार। डबल लेमिनेशन आपकी पूरी मिलती है, एक अच्छा मटेरियल आपको यहाँ पूरा मिलेगा, जर्मन क्वालिटी है, ये निक्सो की कंपनी है, जर्मन क्वालिटी है, तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यार कि ये अच्छी चीज़ है, लगी लगी रहेगी और कभी ख़राब नहीं होगी। और स्पेस को हमने अच्छे से पूरा यूटिलाइज़ किया है कि आपका जो कोई सामान है कोई बाहर ना रह जाए, आपकी हर चीज़ जो है वो अंदर रहे, प्रॉपर हर चीज़ के लिए एक स्पेस मिलती है आपको यहाँ पर। गीजर के पॉइंट्स आ जाएंगे और इस तरफ एक बड़ी सी खिड़की आपको आ जाएगी जो कि UPVC की है। नीचे आपके डबल सिंक आपको मिल जाते हैं, टैप्स आपको पूरी मिलती है, और घर के अंदर जितनी भी खिड़कियाँ मिलेंगी आपको जो है टफन ग्लास और UPVC के साथ मिलेंगी, तो आपको हर जगह पर मटेरियल में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नज़र नहीं आएगा। बड़े बड़े बॉक्सेस हैं यार, तो इसका मतलब ये है कि आपका जितना भी जार्स हैं वो इजीली यहाँ पर आएंगे, कोई ख़राब होने वाली दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि छोटे से कैबिनेट्स हों तो आपके 2-4 बॉक्सेस यहाँ पर रखे या जार्स रखे और वो स्पेस जो थी वो ख़त्म हो गई, एक अच्छी स्पेस मिलेगी। और ये आपकी साइड अलमीरा, इसको देखने के बाद तो ये लगता है कि यार अब आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये आधे से ज़्यादा सामान तो यही रख लेती है। एक अच्छी किचन है, अगर इवन देन इसमें भी आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐड ऑन करनी है तो वो भी हो जाएगी एक अच्छे डिज़ाइन के साथ। यहाँ से वापस चलते हैं अपने ड्राइंग और डाइनिंग एरिया की तरफ, और इधर से ही हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो हमारे घर का फर्स्ट बेडरूम जो कि 12x10 का है, काफ़ी अच्छा साइज़ है। यहाँ पर सीलिंग पर प्यारा अच्छा डार्क डिज़ाइन है। ठीक यहाँ पर आपका जो है बेड लगा हुआ है, बेड के अलावा भी आपके पास जो स्पेस है वो ठीक है यहाँ पर। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही बड़ी स्पेस है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कम स्पेस है, ये स्पेस है उसको अच्छे से यूटिलाइज किया गया यहाँ पर। अलमीरा यहाँ पर पूरी प्रॉपर लगी हुई है, और अलमीरा के जो दरवाजे हैं वो बहुत अच्छे हैं, देखिए वाह, बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन है यहाँ पर। अंदर भी आपकी जो लेमिनेशन है वो पूरी की गई है, ताकि जो सालों साल आपकी जो प्लाई है वो कभी ख़राब ना हो। और वैसे भी यार जो आपकी प्लाई अब लग रही है इसके घर के अंदर वो सारी आपकी जो ब्रांडेड है, वहाँ पे कोई कमी नहीं रहेगी। जो मटेरियल है वो हर जगह एक अच्छा मटेरियल ही यूज़ किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं यार आपने जो घर लेना है वो एक ही बार लेना है, वो बार बार नहीं लेना, तो एक ही बार में जो हम आपको मटेरियल देंगे वो अच्छा देंगे, ताकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आप जी सके यहाँ पर, आपको मिल सके। ठीक है, इस तरफ हमारी एक बड़ी सी खिड़की जो कि आपकी पूरी UPVC के साथ बनी हुई है, स्लाइडर डोर्स हैं पूरे आपके 9 फुट की हाइट तक के, और टफन ग्लास लगा है जहाँ से आपकी जो वॉइस कैंसलेशन है वो अराउंड 95% तक हो जाती है। और एक बड़ी सी बालकनी हमें यहाँ मिल जाती है पूरे 18 फिट की, 18x4.5 एक अच्छा साइज होता है, इजिली अपनी जो है चेयर्स लगाकर यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये आपकी किचन की खिड़की है आपकी, और स्पेस यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। आप देखिए रेलिंग जो है आपकी आयरन में वो भी डिज़ाइन के साथ दी गई है, आप ग्लास यहाँ पर लगा रहेगा। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हमारी, उससे इस बालकनी को एज अ वॉशिंग एरिया में यूज़ करना तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस हमने और टैप्स का पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। बढ़ते आगे की तरफ, ठीक हम अपने ड्राइंग एरियाज की तरफ से हम निकलते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास आया था हमारा वॉशरूम। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है, आपकी सीलिंग की हाइट तक जो है पूरी टाइल्स जा रही हैं। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कि यार वॉशरूम अभी आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इसमें अंदर भी जो आपकी सैनिटरी लगेगी वो सारी डिज़ाइनर लगेगी और जैगवार की लगेगी।
तो एक अच्छा मटेरियल और क्वालिटी लाइफ आपको पूरे घर के अंदर मिलने वाली है। यहाँ पर यह देखते समझ आया था कि आपके पास जो स्पेस है उसकी कमी इस घर के अंदर बिल्कुल नहीं होने वाली। और ठीक इस तरफ हमारा मास्टर बेडरूम जो कि 14x12 का है, ऑलमोस्ट स्क्वायर साइज ही आ जाता है। और ऐसे डिज़ाइन और या ऐसे साइज में अंदर जब हमारा घर होता है ना, तो हमारे रूम्स के अंदर जो एयर वेंटिलेशन होता है वो बहुत अच्छा रहता है। बड़ा सा बेड लगा लिए और उसके बाद भी आप स्पेस को पूरा एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों जितनी भी नीचे टाइल्स मिलेंगी हमें घर के अंदर, वो सारी वेट्रीफाइड डबल चार टाइल्स मिलेंगी। और इसके अंदर हमने एक और टाइल्स हमने चेंज की हैं जो कि आपकी बिल्कुल इटालियन मार्बल के जैसी हैं। तो जब आप आएंगे आपको मैं वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि हमें पता है कि आपको वो चीज़ भी बहुत पसंद आएगी। स्टोरेज स्पेस कोई कमी नहीं रहेगी आपके पास, ऊपर हो या नीचे हो, आपका जितना सामान होगा वो सारा अंदर ही आएगा, हम कोई भी चीज़ बाहर नहीं रहने देंगे आपकी। हम चाहते हैं कि आपके पास जो सामान है वो काफ़ी होता है। और दोस्तों इन चीज़ों के बीच में आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप किसी चीज़ को कस्टमाइज करवाना चाहते हैं अपने तरीके से, तो वो इजीली हो सकता है, उसमें कोई रोक टोक या कोई कमी नहीं होगी। पूरे घर के अंदर कहीं पे भी कोई स्पेस की कमी नहीं नज़र आती, किसी भी तरीके से आप देख ले, क्वालिटी में भी कोई कमी नहीं नज़र आती। और ठीक इस तरफ जो है हमारी खिड़की आई थी जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ है, बड़ी सी है। पूरे घर के अंदर जो UPVC की खिड़कियाँ लगी होंगी आपकी, और काफ़ी अच्छे साइज़ है, बड़े बड़े साइज़ है। तो कहने का मतलब कि पूरे घर के अंदर जो लाइट्स है वेंटिलेशन पूरी प्रॉपर रहती है हमारे घर में, तो यही चीज़ चाहिए होती है। ठीक इस तरफ हमारा वॉशरूम आया था जहाँ पे आपके जो है टाइल्स जो है सीलिंग की हाइट तक है, और आपके जो है सैनिटरी है, टैप्स है, वो सब अभी लगनी बाकी है। तो वो भी मैं जल्दी आपको फिर से एक बार इसको दिखाने की कोशिश करूँगा। पूरा प्रॉपर काम आपको हर घर के अंदर, हर रूम के अंदर मिलेगा। तो ये एक चीज़ होती है जो हम अपने घर के अंदर देखते होते हैं कि हमें जो चीज़ मिल रही है ना वो पूरी प्रॉपर हो, कंप्लीट हो, ताकि जब हम आए तो हमारे मन में एक अलग ही खुशी हो। वो चीज़ें यहाँ पर हमें पूरी मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा थर्ड बेडरूम इस घर का पहले की तरह ये भी बिल्कुल प्रॉपर एक साइज़ के साथ, अच्छे डिज़ाइन के साथ पूरा है। आपको पूरा स्क्वायर साइज़ मिलता है यहाँ पर 12x12 का। बेड लगाने के बाद आपके पास स्पेस जो है वो पूरी आती है। तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस घर के अंदर लगी वो यही है कि आपके चलने फिरने के लिए जो स्पेस है उसमें कोई कमी नहीं रखी है। हर रूम के साथ आपके पास एक बड़ी सी खिड़की मिल जाती है, हर जगह आपको एक बालकनी मिल जाती है, वार्डरोब्स आपको हर रूम के अंदर मिलती हैं, सीलिंग पर डिज़ाइन आपको पूरा मिलता है, कि जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो पूरी है, कंप्लीट है इस घर के अंदर। ये प्रीमियम अपार्टमेंट्स है और अच्छे दाम के अंदर है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर भी हमें फिर से जो है देखिए आप डबल लेमिनेशन हमें मिलती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो किसी एक के अंदर कोई कमी रखी हो। और फिर से रिपीट करूंगा यार इस बात को कि अगर आपको कहीं पर लगता है कि कोई चीज़ कस्टमाइज़ करवानी है हमने अपने तरफ से, अपने हिसाब से, तो वो भी हो जाएंगी, तो वो फिर वहाँ पर होगी जो हमारा अभी अपार्टमेंट बन रहा होगा। पूरी प्रॉपर स्पेस हमें हर जगह पर एक अच्छे तरीके से। और ठीक इस तरफ हमारी खिड़की जो कि काफी बड़ी सी है, पूरी सीलिंग की हाइट तक आपकी खिड़की आ जाती है, और पूरे स्लाइडर आपके लगे हुए हैं यहाँ पर UPVC। ये काफी अच्छा होता है टफन ग्लास। और पीछे आते तो हमारे पास स्पेस ही बड़ी अच्छी आ जाती है। और देखिए जैसे हम कहते हैं ना कि अपने घर के अंदर एक छोटा सा बरांडा होता है या बेड़ा होता है, ये बिल्कुल वही जगह आ जाती है। ये सिर्फ बालकनी वाली जगह नहीं है, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी अच्छी स्पेस है। आप देखिए यहाँ से ये खिड़की जो हमें अंदर से नजर आ रही थी, बाहर से देखिए तो पूरा समझ आता है कितनी बड़ी खिड़की है ये। तो एक्यूरेट चीज़ें यहाँ पर मिलती है, आप अपनी वॉशिंग और क्लोदिंग दोनों ही यहाँ पर करना चाहें तो वो भी यहाँ पर आराम से हो जाएंगे। पूरी वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया पूरे घर के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 3BHK अपार्टमेंट विद लिफ्ट विद स्टोर, जो कि 1550 स्क्वायर फीट के अंदर बना हुआ है, एक अच्छी लोकेशन के अंदर, जरकपुर के अंदर, जहाँ से कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें।
ताकि आने वाले टाइम में जितने भी अमेजिंग हाउसिंग वीडियोस हैं या डिज़ाइंस हैं वो आपके कहीं मिस ना हो। और इस वादे के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए घर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त लेता हूँ। आपका दोस्त कुलविंदर, सत श्री अकाल।